कोरोना वायरस की वजह से आज दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसके चलते इस समय सब परेशान है। आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में हो रखी है, वैक्सीन का कुछ पता है नहीं, काम धंधा सब बंद हो रखा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, भुखमरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गई है। और अब इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए धीरे धीरे कुछ देश अपने यहाँ से लॉकडाउन हटा रहे। लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों युवाओं के सामने जो दिख रही है वो है रोटी और रोजगार की। जहाँ लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद होने से भारी तादाद में कामकाज ठप हो गए हैं, तो वहीं कई बड़ी कंपनियों की क्रॉस कटिंग के कारण प्रोफेशनल लोग भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सभी को इस बात का डर है कि आने वाला समय कैसा होगा, उनका और उनके परिवार का गुजर बसर कैसे हो पाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, आपके दिनचर्या से लेकर आपके कामकाज तक का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। और इस सिचुएशन को कोसने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आपको इस समय ये सोचना चाहिए कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इस मुश्किल घड़ी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ग्रो कर रही हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। इस मुश्किल घड़ी में ऐसी कौन सी जगह है जहां अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। कौन से ऐसे कैरियर्स हैं, बिजनेस है या फील्ड है जो ग्रो करेंगे इस मुश्किल घड़ी में। लॉकडाउन के बाद बहुत से नए रोजगार पैदा होंगे, और एक सेक्टर है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, वो सेक्टर है फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर। और ये अपॉर्चुनिटी गांव और शहर दोनों तरफ के लोगों के लिए होगी। बहुत से लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेरिवेटिव्स, लोन और भी बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इनमें से किसी एक चीज में आपको माहिर होना है। बहुत से लोग केवल इन सब के बारे में सुनते ही मन में कई कल्पना कर लेते हैं और बिना कुछ जाने ही इसके बारे में उल्टी सीधी चीज मन में सोच लेते हैं, जो कि करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस सोच की सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन। लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, इसीलिए लोग इससे दूर ही रहते हैं। पर अब धीरे धीरे ये धारणा भारत में कम हो रही है। भारत में 2% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 7% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भारत के फाइनेंशियल मार्केट की भी ग्रोथ हो रही है। जहां 2014 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की वैल्यू $156 बिलियन थी, वहीं 2020 में इसकी वैल्यू बढ़ के $403 बिलियन हो गई है। भारत का इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इकोनॉमी स्लोडाउन के समय भी फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, जिसके कारण लॉकडाउन हो गया। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, वैसे ही भारत का फाइनेंशियल मार्केट फिर से ग्रो करना चालू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में आपको नॉलेज कहां से मिलेगी और आप अपना करियर इसमें कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। तो अब जरा 2 मिनट वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, वो भी फ्री में। ईलर्न मार्केट एक इंडियन फाइनेंशियल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट में आपको बहुत से फाइनेंशियल कोर्सेस मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही तगड़ी नॉलेज हो जाएगी फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म में बहुत से कोर्सेस एक्सचेंजेस द्वारा सर्टिफाइड है, जैसे कि NSE, MCX, NCDEX। यहाँ के सारे कोर्सेस एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपर्ट है और सालों से इस फील्ड में है। तो इनके एक्सपीरियंस से भी आप फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में समझने में आसानी होती है, आप उस लैंग्वेज में सीख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज, फाइनेंशियल मार्केट कोर्सेज, सब अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत से फ्री में भी कोर्सेस अवेलेबल है, जिससे आपको बहुत सी फाइनेंशियल नॉलेज फ्री में मिल जाएगी। फ्री कोर्सेस में यहाँ पे आपको बहुत से कोर्सेस मिल जाएंगे, जिससे आपको स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड सबके बारे में नॉलेज मिल जाएगी फ्री में। अब बात करते हैं ऑफर के बारे में। बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं जिससे आपको आत्मनिर्भर बना सकूं। तो मेरी ईलर्न मार्केट के लोगों से बात हुई और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया, और वो ऑफर ये है कि इस प्लेटफॉर्म में एक कोर्स है ₹4,000 का, वो आपको फ्री में मिलेगा। कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और ये ₹4,000 का कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये कोर्स को ही क्यों चुना है। देखो, किसी भी फील्ड के बारे में जानने के लिए आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग मेरे से बार बार यही बोलते हैं कि आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएं, पर मैं थोड़ा लेजी आदमी हूँ और ये आप सबको पता है। पर बहुत दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े।
तो जैसे ही मुझे ईलर्न मार्केट से अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ये कोर्स को देखा और फिर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कोर्स कैसे फ्री में मिल सकता है। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए, एक इंग्लिश कोर्स की है और एक हिंदी कोर्स की है। आपको जिस लैंग्वेज में सीखना है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज में आ जाएंगे। मैंने हिंदी लिंक क्लिक की है तो मैं हिंदी वेब पेज पे आ गया हूँ। फिर आपको यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। इंग्लिश वाला भी सेम है, वहाँ पे भी आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे साइन इन का ऑप्शन आता है, आपको रजिस्टर करना है, आप वो भी कर सकते हैं। पर अगर आपने साइन इन किया है उसके बाद आपको फिर से एनरोल नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कोर्स की वैल्यू 4,000 रुपए है और GST लेके 4,720 रुपए। अब आपको अवेलेबल कूपन कोड पे क्लिक करना है और एंटर कूपन कोड में .100 लिखना है। .100 कूपन कोड है और फिर आपको अप्लाई करना है और फिर ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करिए और सीखना चालू कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में आपको हर टॉपिक्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। यही सेम तरीके से आप मोबाइल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक मेल आएगी, उसमें ईलर्न मार्केट के मोबाइल ऐप की लिंक होगी। आप उससे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, किसी भी डिवाइस के थ्रू आप सीख सकते हैं। देखो, ये फील्ड में आपको काम करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, पर फ्यूचर में आपको अपने पैसे सही जगह कैसे इन्वेस्ट करना है ये तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। कब तक आप किसी एजेंट के ऊपर निर्भर होंगे? जब तक आपको खुद इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसमें अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो फ्यूचर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इच्छुक है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।